सो गाइस वेलकम टू योर चैनल रैसल वर्ल्ड। तो गाइस सर्वाइवर सीरीज अब से कुछ दिनों की दूरी पे है। सर्वाइवर सीरीज डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक बड़ा पेपर भी होता है और सर्वाइवर सीरीज एक ऐसा पेपर भी है जहां हमें बड़े सुपर रिटर्न देखने को मिलते ही है और इस साल भी हमें बड़े रिटर्न देखने को जरूर से मिलेंगे। और गाइस आज की इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं पाँच ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार जो कि अपना रिटर्न कर सकते हैं सर्वाइवर सीरीज 2020 में। नंबर 5 पे यहाँ पर नाम आता है केन का। तो गाइस जैसा कि अंडरटेकर का फेयरवेल होने वाला है यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज के अंदर, अगर इस केन जो कि अंडरटेकर काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड है वो हमें देखने को मिल जा सकते हैं जब अंडरटेकर का सेगमेंट रहेगा वो समय। अगर इसके काफ़ी सारे रूमर्ड भी है केन अपना रिटर्न करने वाले हैं। नंबर 4 पर नाम आता है शार्लोट फ्लेयर का। तो गाइस शार्लोट फ्लेयर जो कि काफ़ी समय से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें देखने को नहीं मिली है, अगर इसमें काफ़ी बड़े डिवास भी है सर्वाइवर सीरीज जैसा बड़ा पेपर वो मिस नहीं कर सकती है। अगर जैसे कि सर्वाइवर सीरीज समर स्लैम या सब पेपर भी में शार्लोट फ्लेयर रहती ही है तो गाइस सर्वाइवर सीरीज के अंदर अपना बड़ा सा रिटर्न भी कर सकती है और काफ़ी सारे फैंस उनका रिटर्न देखना भी चाहते हैं। नंबर 3 पर नाम आता है एजड का। तो गाइस एजड जो कि लास्ट टाइम हमने उनको रेसलमेनिया 36 के बाद बैकलैस के अंदर देखा था जहाँ पर उनका मैच हुआ था रैंडी ऑर्टन के साथ, और गाइस जो काफ़ी खतरनाक मैच भी था, ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच भी था, लेकिन वहाँ पे हो गई थी एजड को इंजरी और उसके बाद अभी तक हमने उनको देखा भी नहीं है। लेकिन गाइस सर्वाइवर सीरीज एक सही समय रहेगा जहाँ पे एजड अपना रिटर्न कर सकते हैं। नंबर 2 पे नाम आता है राउंडा राउजी का। तो गाइस लास्ट टाइम राउंडा राउजी को हमने रेसलमेनिया 35 में देखा था, अगैज करीब करीब 2 साल होने जा रहे हैं उनको लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए हुए, अगैज उनके बाद उनको रेस्ट चाहिए थे इसी चलते उन्होंने रेसलमेनिया 35 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ समय के लिए रेस्ट लिया था। लेकिन गाइस उनका रेस्ट अब काफ़ी लंबा भी हो चुका है अगैज, लेकिन अभी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो जल्दी अपना रिटर्न भी कर सकती है। सर्वाइवर सीरीज अच्छा जगह रहेगा जहाँ पे वो अपना रिटर्न भी कर सकती है। नंबर 1 पे नाम आता था बीस्ट ब्रॉक लेजनर का। तो गाइस ब्रॉक लेजनर को लास्ट टाइम रेसलमेनिया 36 में देखा जहाँ पर उनको ड्रू मैकइंटायर ने हरा दिया था। अगर सर्वाइवर सीरीज एक अच्छा जगह रहेगा जहाँ पे अपना रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि सर्वाइवर सीरीज के अंदर मैच होने वाला ड्रू मैकइंटायर एंड रोमन रेंस का, तो गाइस ड्रू मैकइंटायर उनको पहले से बदला लेना है। अगर रोमन रेंस जो कि अब पॉल लेमन का अपना मैनेजर बना चुके हैं और पहले पॉल लेमन थे ब्रॉक लेजनर का मैनेजर, जब भी ब्रॉक लेजनर रिटर्न करेंगे तो वो फ्यूड तो करने वाले रोमन रेंस के साथ ही, और उनको दोनों सुपरस्टार साथ में ही देखने को मिलने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज के अंदर। तो गाइस हम ऐसा देखने को मिल जा सकता है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर ब्रॉक लेजनर अपना रिटर्न करे और दोनों सुपरस्टार को तोड़ फोड़ भी दे। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। गाइस वीडियो पसंद आया थोड़ा लाइक कीजिएगा, अगर आप मुझे जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कौन सुपरस्टार अपना रिटर्न करने वाला सर्वाइवर सीरीज के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा।